बांदा के कानपुर नेशनल हाईवे में एक संविदा बिजली कर्मी के परिजनों ने शव रखकर जाम कर दिया। जाम लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया और पूरे प्रशासन पर हड़कंप मच गया। काफी देर तक परिजन जाम लगाकर शोर मचाते रहे। वहीं मौके पर पुलिस प्रशासन सहित आला अधिकारी पहुंच गए, जिसके बाद परिजनों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया गया। आपको बता दें कि बीते दिन बबेरू रोड पर PRB 112 नंबर को घायल अवस्था में व्यक्ति मिला, जिसे बबेरू स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने इस मौत को एक्सीडेंट की घटना बताकर मामला रफा दफा कर दिया, पर वहीं परिजन इसे हत्या बता रहे हैं। परिजनों का कहना है कि मृतक को बबेरू निवासी दरोगा नामक व्यक्ति देर शाम ले गया था और अगले दिन सुबह घर छोड़ने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद देर रात परिजनों को मौत की खबर सुनने को मिली। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जो मृतक को साथ ले गया था और घटना स्थल पर वह मौजूद भी नहीं था। जब मृतक घायल अवस्था में पुलिस को मिला तब उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था, जो कि एक्सीडेंट की घटना को संदिग्ध समझने के लिए काफी है। वहीं परिजनों ने इस पूरे मामले को सही से जाँच कराने की और न्याय दिलाने की मांग की है। क्षेत्र अधिकारी ने इस मामले पर जाँच कर कार्रवाई करने की बात कही है। परसों के दिन नाइट में शाम को 6 से 7 के बीच में दरोगा उर्फ उदय चंद्र नाम के एक अंकल आए थे। वो अक्सर घर आते जाते रहते हैं। उनके साथ में एक इंसान और थे, उन्हें हम नहीं जानते हैं। वो आए थे, वो पापा को लेके गए। घर वालों ने मना किया, मना करने के बावजूद उनने कहा भी कि हम नहीं जाते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं सोते हैं। बट वो इंसान जो साथ में थे उनने कहा नहीं, हम चलते हैं, अगर तुम्हें नहीं जाना तो तुम मत जाओ, लेकिन हम जाएंगे। पापा उनके साथ में गए। उसके बाद उनने गारंटी ली थी कि हम गारंटी लेते हैं सुबह 8 बजे तक इनको घर में ही छोड़ेंगे। बट उनकी कोई भी बात हमें नहीं पता चली, ना उनका फ़ोन लग रहा था, ना कुछ, ना वो आए थे घर वापस। तो गारंटी किस बात की दी थी, क्यों वो ले गए थे, क्या कारण था? वो ऐसे ही लेके गए थे, उनने कोई कारण नहीं बताया था। मम्मी बोल रही थी कि मतलब बारिश हो रही है, रात का टाइम है, अब मत जाओ कहीं, तो बोले ठीक है। बट उनने कहा था नहीं भाभी, हम लेके जा रहे हैं, हमारे पर विश्वास करें, हम सही सलामत सुबह छोड़ेंगे। फिर बाद में हमें डायरेक्टली पुलिस ने आके बताया घर में कि ऐसी ऐसी घटना घटी है, आप बबेरू चले जाइए, उनकी तबीयत खराब है। तब हम लोगों को पता चला। अभी तक वो इंसान हमारे घर में न बताने आए हैं, न हमसे मिले हैं, न बॉडी के पास मिले, और जब बॉडी मिली है तो उनकी बॉडी में तन में कपड़े नहीं थे। अच्छा, ऐसी कंडीशन बताई जा रही है। हाईवे पर रखा हुआ है तो क्या मकसद है हाईवे पर रखने का? ताकि न्याय मिले हम लोगों को, और वो जो जिनने ये किया है तो वो पकड़े जाएं, उन्हें भी सजा मिले। पुलिस क्या बता रही है इस घटना को? पुलिस बोल रही है कि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तब आगे कुछ कार्रवाई की जाएगी। तो क्या चाहती हैं आप लोग आज? न्याय मिलना चाहिए हम लोगों को। ये एक व्यक्ति जो है अपने घर से अपने मित्रों के साथ जो है बाहर बबेरू थाना अंतर्गत कहीं गया हुआ था, क्योंकि घायल अवस्था में पुलिस को मिला था। उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों का कहना है कि जो लोग ले गए थे उन्होंने उनके साथ कोई घटना कारी थी। इसको लेकर जो है डेड बॉडी लेकर ये अभी सड़क पर आ गए थे, लेकिन तत्काल सूचना पर मौके पर समझाने बुझाने के बाद तत्काल इन्होंने डेड बॉडी इंक्रीमेशन के लिए लेकर चले गए हैं, और इन्होंने एक तहरीर दी है, उस पर जाँच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सीओ साहब, क्या मांग की है, किस बात को लेकर विरोध कर रहे थे? नहीं, इनका कहना ये है कि जो लोग ले गए थे उन्होंने शायद कोई घटना कारी की है, और दूसरा ये परिवार गरीब है, और इनका कहना था कि हमें जो है सरकारी सहायता जो भी मिलनी चाहिए मिलनी। क्या हत्या का आरोप लगा रहे हैं? नहीं, अभी ऐसा इन्होंने कुछ नहीं कहा। इनका कहना है कि जो लोग ले गए हैं उन पर इनको शंका है, अभी ये भी हत्या की बात प्रमाणित नहीं कर पा रहे हैं। अभी पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, और एक्सीडेंट की बात प्रथम दृष्टया प्रकाश में आ रही है। जो भी होगा इनकी एप्लीकेशन पर जांच कराकर आवश्यक है। परिजनों का कहना है कि जब जिस हालत में मिला था, जब जिंदा था, तो बदन में भी कपड़ा भी नहीं था, आपको है। अभी मेरी परिजनों से इस संदर्भ में बात नहीं होगी हुई जो आप बता रहे हैं, और चूंकि इनको हॉस्पिटल में परिजनों ने एडमिट नहीं कराया था, संभवतः जो है 112 पुलिस ने कराया था और लोकल थाने की पुलिस। अभी बात करते हैं कि किस अवस्था में मिले।